अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शुक्रिया। अच्छा, सीन कुछ ऐसा आज का कि मैं आज आया हूँ मॉडर्न किचन में, ठीक है। और यहाँ पे जो भी किचन में रेस्टोरेंट में फीड जो भी इस्तेमाल होती है इक्विपमेंट्स, वो यहाँ पे तैयार होते हैं। भाई जान, वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि आप लोगों को पता हो कि मार्केट में हमेशा रेट बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे आपके बजट के हिसाब से हर चीज़ मिल जाएगी। और इधर अगर आपने किसी भी किस्म का, अगर आपने अपने घर के किचन का या रेस्टोरेंट के किचन का कोई भी पार्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह आपने लेने हो तो रब्ता करिएगा मेरे कमेंट्स में, मुझे कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह मैं आपको एड्रेस वगैरह दे दूंगा। शुक्रिया, आप वीडियो पूरी देखिएगा। वो यहाँ पे तैयार होते हैं, ठीक है। मैं आपको बारी बारी सारे दिखाता हूँ। फ्रायर हो गए, हॉट प्लेट होगी, डक्ट होगी। मेरे पास देखिए कितनी बड़ी डक्ट है ये वाली, ठीक है। कम से कम ये 12 फुट की डक्ट है, ठीक है। 12 फुट की डक्ट है और ये जिस जगह पे लगनी है मेरे ख्याल KFC में कहीं लगनी है, ठीक है। हर जगह में जितने भी ज्यादा ब्रांड है ना, ये ज्यादातर वहाँ पे अपना पार्ट सेल करते हैं। इनका वहाँ जाता है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आधी रात का, यकीन करें आधी रात और ये 12 बज रहे हैं और 12 बजे भी ये काम कर रहे हैं। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ यहाँ से। ये यहाँ से आप देखें ये डक्ट है कितनी ऊंची है ये वाली। ये स्टील एंड स्टील की, प्योर स्टील एंड स्टील का काम होता है यहाँ पे। ये डक्ट है, ठीक है, ये वाली। ये यहाँ पे छोटे भैया काम करते हैं। भजन कितनी देर हो गई आपको यहाँ काम करते रहे? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, माशाल्लाह। यहीं पे काम सीखा था आपने? सही। अब ये कितनी देर तक फ्राई तैयार हो जाएगा? ये इसको 20 मिनट लगने बस। बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएगा, फिटिंग इसकी होगी, सारे पार्ट्स वगैरह इसके लग। ये सिंगल है फ्रायर? हाँ, ये सिंगल फ्रायर है और ये भी सिंगल, और साथ जो है इसके सीजलिंग के लिए ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ये जो छोटा भाई है यहाँ वेल्डिंग कर रहा था। वेल्डिंग करने के बाद अभी वहाँ पे फिटिंग करने चले गए। और ये कॉफ़ी का जो स्टीमर है ये वो है, इसको टेस्टिंग पे लगाया, बिल्कुल ओके हो गया। टेस्टिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। भाई जी इसकी रिलीज़ करिएगा स्टीम ज़रा। ये रिलीज़ की स्टीम, ठीक है। अब ये भाई जान उसकी जो भी काया सेटिंग है वो कर रहे हैं। अब साथ ही हम चलते हैं अंदर। ये जो है छोटी हॉट प्लेट है, इसका साइज क्या भाई जान? 2x2 की ये है। बाहर जो मैंने आपको हुड दिखाया था ना, उसकी ये डक्ट वगैरह ये पड़ी हुई है। ये डक्ट उन्होंने बना के रखी हुई है। अच्छा, फिल्टर है ये? हाँ, ये फिल्टर है। मैं उसको डक्ट कह रहा हूँ, भाई ने बताया ये फिल्टर है। और ये कॉफ़ी के जो स्टीमर हैं इसके पार्ट्स पड़े हुए, अभी फिटिंग कर रहे हैं ये भाई लगे हुए, उसको फिटिंग करने लगे हुए। वो बोले भाई जान उसके कुछ पार्ट्स हैं जिसकी वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल जितने भी रेस्टोरेंट में सामान है ना, यहाँ पे बनता है हॉट प्लेट, कॉफ़ी मिक्सर, स्टीमर। ये कोई पुराने करे, ये कौन सा पुराना है ना स्टाइल का स्टीमर है? ये क्या है? ये भी स्टीमर है लेकिन ये यूज में, ये यूजेबल है, ये यूजेबल स्टीमर है। बकाया यहाँ पे ना तजर्बे कर रहे हैं आज वेल्डिंग के। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखें, चाय आ गई, मैं अब चाय पीने लगूँ तो चाय पी के बकाया ये भाईजान जितने पार्ट्स हैं उसकी फिटिंग कर रहे हैं, ये पार्ट्सों की फिटिंग कर रहे हैं। ये ऊपर बकेट्स वगैरह लगाई हुई हैं, जितनी भी बकेट्स हैं उसमें होट में फ्रायर में लगती हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ साइज़ों की बकेट्स हैं वो। बकाया मैं और दिखाता हूँ आपको इंशाल्लाह। उससे ना छोटी सी गलती हो गई थी कि इसको डक्ट नहीं कहते भाई जने गाली, भाई इसको ना डक्ट नहीं कहते, मैं आपको बता दूँ, इसको हुड कहते हैं, हुड बोलते हैं, हुड बोल, इसको हुड कहते हैं, ठीक है। और ये 12 फुट का नहीं, कितने फुट का? ये 10 फुट का 12 फुट वाला सेल हो गया, ठीक है। और ये क्या? ये पिज्जा प्रेप टेबल है। पिज्जा प्रेप टेबल, अच्छा माशाल्लाह। अभी ये कम्प्लीट नहीं है, अभी इसकी कम्प्लीट नहीं है, कम्प्लीट होना, इधर दरवाजे वगैरह लगेंगे। अच्छा, तो इधर ये कंप्रेसर वगैरह सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम
फ्रिज ही है ये चिलर है ना, एक सब ये चिलर ही है। अच्छा हो ब्रेडिंग टेबल आ गई। अच्छा इसका वगैरह तैयार करते हैं, इसके अंदर मैदा वगैरह। अच्छा जिंगर वगैरह की ये है ब्रेड, ठीक है। ये फ्रायर है जिसके अंदर तैयार होता है जिंगर वगैरह कुक होता है, ठीक है। अभी ये तैयार होना आपको तैयार में भी दिखाते हैं। अच्छा और ये तैयार पड़ा है वो सिंगल है, ये डबल वाला है। अच्छा ये डबल है माशाल्लाह, ये से साइज इसका बड़ा है जी। ये पैनल लगा अभी, उसको पैनल वगैरह लगना। अच्छा ये बिल्कुल माशाल्लाह मुकम्मल है, ब्लोर वाली है ये, ठीक है। दोनों के अलहदा अलहदा सिस्टम है, चाइनीज अभी इसके ऊपर सामान पड़ा है चाइनीज चूल्हा। अच्छा ये चाइनीज, हाँ चाइनीज खाने वगैरह जो भी चाइनीज की कुकिंग होती है वो ये इस पे होती है। ये माशाल्लाह बड़ा बड़े साइज में है जी, ये भी टोटल स्टील एंड स्टील का ही है। स्टील एंड स्टील माशाल्लाह। ये देखें ऊपर से भी कुछ आपको नजर आ रहा हो, इसका कुछ ऐसा डिजाइन है। मैं साइड से दिखाता हूँ क्योंकि साइज काफी बहुत बड़ा है इसका। ये देखें ये आपको नजर आ रहा होगा स्टाइल, ये अभी पेपर लगा हुआ, स्टीकर उतारेगा तो नीचे से है ना, स्टीकर उतरेगा तो नीचे से स्टील का आ जाएगा। हाँ ये टेप उतर जाएगी ऐसे, ये देखें नीचे से स्टील का साफ आ जाएगा। अच्छा और ये इसकी टंकी वगैरह जो तैयार हो रही है। अच्छा इसकी टंकी है ये सही, ये जो माल पड़ा है ये फिल्टर है हुड के, फिल्टर वगैरह जो बनते हैं ना। हाँ जी वगैरह कैच कर। हाँ जी चलें, शुक्रिया मेहरबानी। इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।